और आप क्या करते हैं? जी, हमारा नाम विनीत सिंह रिसु है। सिवली कॉलेज से LLB तृतीय वर्ष के छात्र हैं। हम लोग आजमगढ़ में हर बुधवार गंदगी परिवार के तहत एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें जनपद के वो सभी युवा जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं और जो व्यवसाय में लगे हुए हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का स्वच्छता अभियान अभियान नहीं है, ये आम जन का अभियान है। इसलिए लोगों को हम जागरूक करने के लिए हर बुधवार को सफाई के साथ साथ प्रशासन को आईना दिखाने का काम करते हैं कि ये जनपद, ये शहर, ये देश हमारा है, इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम खुद सफाई करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और आज जनपद में बहुत बृहद पैमाने पर सफाई अभियान अलग अलग संगठनों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को भी देखते हैं तो गंदगी करने से बचते हैं। इस सफाई अभियान के तहत आपने क्या क्या साफ किया यहाँ आजमगढ़ में? अभी आजमगढ़ में जो हम लोगों ने शुरुआत किया, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के ठीक सामने शौचालय था, उसको साफ किया, जो वहाँ पे कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता था। उसके बाद हम लोगों ने उनके खुद के कलेक्ट्रेट को साफ किया, जहाँ पे ऊपर से लोग थूकते थे नीचे तक आता था। उसके बाद जिलाधिकारी जागरूक हुए, उसको पेंट करवाया, जगह जगह हम लोगों ने स्टीकर लगवाए। जितने भी महापुरुषों के चौराहे हैं, सड़कों की सफाई हो जाती है शहर में लेकिन चौराहों की सफाई नहीं होती है, इसलिए हम लोग अलग अलग बुधवार को 4 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जहां पे भी गंदगी ज्यादा दिखती है चौराहों की हम लोग विशेष तौर पे सफाई करते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी, तो उनकी भी सुंदरता को, उनकी चौराहों की सुंदरता को रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी। आपके इस अभियान में कौन लोग जुड़े हैं? अधिकतर छात्र हैं, वो युवा जो व्यवसाय कर रहे हैं और वो युवा कहीं की तैयारी जो करते हैं, जो कहीं कहीं बेरोजगार है, जो देश के लिए काम करना है।